जहानाबाद जिले के NH-83 और NH-110 पर बिहार बंदी के दौरान राजद नेता और समर्थकों द्वारा सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहन को रोककर बंदी को सफल बनाने में जुटे। इस बंदी के दौरान सड़क पर चलने वाली स्कूली बस को भी रोका गया और उस बस के चक्के का हवा खोल दिया गया, जिससे उस बस पर सवार बच्चे काफी परेशान हुए। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने मीडिया से कहा कि हमें काफी परेशानी हुई है। बंदी को लेकर राजद नेता मनोज यादव, परमहंस यादव और दलित राजद के नेता अनिल पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा में जिस तरीके से विधायक और महिला विधायिका के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, यह कहीं ना कहीं सरकार की चाल है, जिसको लेकर आज पूरा बिहार बंद है। सरकार तानाशाह हो गई है और विपक्ष के विधायक के ऊपर जुल्म ढाना चाहती है। इस तरह की कार्रवाई का राजद विरोध करती है और महागठबंधन भी इसका विरोध करता है। इधर इस बंदी को लेकर जहानाबाद पुलिस द्वारा NH-83 और NH-110 पर पुलिस की बेहतर बंदोबस्त देखी गई। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। स्कूल तो खुलेगा ही, बच्चा गाड़ी रुकवाना नहीं चाहिए, नियम ही है। बंद भी है तो पटना में जितना भी इंस्टीट्यूशन है सब। उधर से बहुत सारे आदमी आए और गाड़ी देने लगे और फिर हवा खोल दी। और फिर एक किस क्लास में पढ़ते हो? एक फोर क्लास में। कौन स्कूल में? बाल विद्या मंदिर। क्या दिक्कत हो रही है आपको? यस। क्या मांग करोगे? क्या चाहते हो जो बताओ? क्या चाहते हो? हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं। हम लोग आ रहे थे उधर से, एक छोटा डंडा मार के फेंका था तो यही चलते अंकल रोक गए थे, फिर हवा खोल दिया। हॉस्पिटल ले जाना भाई, हॉस्पिटल।
से माननीय तेजस्वी बाबू ने पूरे बिहार में बंद कराने का काम किए हैं और घोषणा किए कि दलितों विधायकों पर जो विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा जो पीटा गया है ये लोकतंत्र का हत्यारा है और लोकतंत्र में इस विधायकों का पीटना विधानसभा में इस संविधान में नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि अपना जो लोकतंत्र का जो लड़ाई है जो नेता लोग जो अपना लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आज पूरे बिहार और गरीबों और दलितों के समस्या के लेकर आज आंदोलन पर उतरा हुआ है रोड पर और पूरे बिहार बहुत अच्छा ढंग से हमारे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बहुत शांतिपूर्ण से बंद कराने का काम किए हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के दलित के अति पिछड़ा दलित प्रकोष्ठ के मैं बिहार प्रदेश के सचिव हूँ, मेरा नाम हुआ अनिल पासवान। बंदी को लेकर क्या आप लोग का मौका है? बिहार विधानसभा में माननीय विधायकों को नीतीश कुमार के तानाशाही रवैया को देख के जो पुलिस ने विधानसभा में माननीय विधायकों को बर्बरतापूर्वक पिटाई किया और भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था उसको भी पुलिस ने बेरहमी से पिटाई किया और डीजल पेट्रोल काला कानून जो देश में लागू किया है किसानों के और बिहार में पुलिस का काला कानून जो लागू किया उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत बंद है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जहानाबाद शांतिपूर्वक सभी दुकान रिक्शा ठेला मोटर गाड़ी बंद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, इसलिए कि जब सड़क सूना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाता है। परमहंस राय, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। आज पूरे देश बंद है और खास करके बिहार में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर पूरा बिहार इसलिए बंद है कि बिहार विधानसभा में काला इतिहास जो रचने का काम किया है संघियों के इस सारे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पुलिस बर्बरता कर माननीय विधायकों को पिटाई किया गया है उसके खिलाफ बिहार बंद है। पेट्रोल और डीजल गैस का दाम में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ पूरा बिहार सहित देश बंद है। किसान के विरोध में इन किसान विरोधी काला कानून लाने के लिए और उसके वापस करने के लिए पूरा देश बंद है और 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी नहीं दिया है। डबल इंजन की तथा कथित सरकार ने
उसके खिलाफ बिहार बंद है। मनोज यादव, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, जहानाबाद।